दिस इज दिलजीत सिंह फ्रॉम एमबीएसएल जालंधर और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ स्टडी प्लान 2024। जी हाँ, पीटी का स्टडी प्लान, यानी कि आपको पीटी की प्रेपरेशंस कितने दिनों के अकॉर्डिंग लाइक ऑन एन एवरेज करनी चाहिए और कितने दिनों में आप अपना डिजायरेबल स्कोर अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करूं कि जो भी स्टूडेंट 2024 में अपना सीनियर सेकेंडरी पास आउट कर रहे हैं और दे आर प्लानिंग टू मूव टू कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और सम अदर कंट्रीज, दे नीड टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इनटू एनी काइंड ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दो इट्स पीटी, दो इट्स आईएलटीएस और ड्यूरिंग और एनी काइंड ऑफ टेस्ट। बट हियर दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स हु नीड टू क्लियर देयर पीटी विद बेटर स्कोर। अगर मैं पीटी की बात करूं तो पीटी में एक डिजायरेबल स्कोर जो है ऑन एन एवरेज स्कोर जो है वो है 58 plus आप स्कोर अचीव करते हो आउट ऑफ 90, तभी आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो आफ्टर योर सीनियर सेकेंडरी। तो बाकी जो वीजाज की गाइडलाइंस है दैट मे बी डिफरेंट, बट 58 इज योर टारगेट स्कोर एटलीस्ट। और अगर पीटी की बात करूं, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट अगर आप इसे एक प्रॉपर वे से समझ के चलो। जब मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर वे से समझ के चलो, तो पीटी की वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगे आपको, टिप्स और ट्रिक्स बहुत सारे मिल जाएंगे और सभी बहुत अच्छे हैं, बिकॉज नॉर्मली 6,000 ट्रिक्स और टिप्स हैं किसी भी यूनिट के, किसी भी टास्क के, सभी वही करा रहे हैं, मैं भी वही करा रहा हूं। बट ये स्टडी प्लान आपको हेल्प करेगा एक वन मंथ की प्रेपरेशन में के बाद आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हो और आप एक अच्छे स्कोर ले सकते हो 58 जो मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले बात करो इसके फॉर्मेट की। इसका फॉर्मेट जो है ये पहले तो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, आईएलटीएस में 4 पार्ट्स में होता था, यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड है क्योंकि स्पीकिंग और राइटिंग ये दोनों है जो इकट्ठी आती हैं। स्पीकिंग और राइटिंग मैं बात कर रहा हूँ पीटी एकेडमी की, ये इकट्ठी आती है और इसमें तकरीबन 8 टास्क होते हैं। रीडिंग की बात करूँ, रीडिंग में टोटल 5 टास्क है और अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग की तो उसमें है टोटल 8 टास्क, द लेंथ इज 1। ये टेस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स या फिर लेस देन 2 आवर्स है, मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं आपको, मल्टीपल क्वेश्चंस जब मैं बात कर रहा हूं तो तकरीबन 19 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बट ये रेपिटेशन अलग अलग से होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रिपीट सेंटेंस है, एक रिपीट सेंटेंस नहीं आएगा, कम से कम 10 रिपीट सेंटेंस आएंगे। तो आइए चलते हैं बात करते हैं प्लान की कि कैसे हमें जो है किस प्लान को फॉलो करके हमें 1 मंथ में इसको प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करता हूं स्पीकिंग की, स्पीकिंग और राइटिंग की। स्पीकिंग में सबसे पहले जो आपको क्वेश्चंस मिलेगा वो होगा आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन। पर्सनल इंट्रोडक्शन में आपको 40 सेकंड मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए अपने अपने बारे में, और 40 सेकंड ही टाइम होगा आपके पास इसको बोलने के लिए, बट यू कैन स्किप इट क्योंकि इसके कोई स्कोर नहीं है। बट अगर आप स्किप नहीं करते हो, कुछ ना कुछ बोलते हो, दैट्स मच बेटर बिकॉज इट वर्क्स एज अ गागल, आप वार्म अप कर सकते हो अपने आप को। नेक्स्ट आपके पास रीड अलाउड। देखो पीटी की शुरू से यही खासियत रही है कि इसकी जो स्कोरिंग है वो इंटीग्रेटेड है, यानी कि अगर आप एक टास्क करते हो तो दूसरे टास्क में भी आपको स्कोर मिलते हैं। तो रीड अलाउड में आपको जो आपके स्कोर है वो शेयर होते हैं आपकी रीडिंग के साथ, सो दैट्स व्हाई इस पर फोकस कीजिएगा। इजी टास्क है बट आपको बहुत अच्छे स्कोर अचीव हो सकते हैं। रीड अलाउड में आपको एक तकरीबन 60 से 70 वर्ड का टेक्स्ट दिया होता है जो आपको 30 सेकंड प्रिपेयर करके 40 सेकंड उसको बोलना होता है। तो अगर मैं स्टडी प्लान की बात करूं तो कम से कम आपको रोज के 20 रीड अलाउड करनी चाहिए अगर आप 60+ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 20 रीड अलाउड, उसे सुने, उसे एक बार पढ़े, सॉल्व करें, देन रिपीट करें, तब तक उसे रिपीट करें जब तक आपकी ईच एंड एवरी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हो जाती है, बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसके स्कोर रीडिंग में जाएंगे। सेकेंड है हमारे पास रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल टास्क है क्योंकि इसकी स्कोरिंग शेयर हो रही है लिसनिंग के साथ। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट के स्कोर लिसनिंग में कम आते हैं बिकॉज दे आर लैकिंग इन रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 10 से 12 आ सकते हैं आपको फाइनल एग्जाम में, और ये कम से कम आपको 50 रिपीट सेंटेंस करने चाहिए। कितने करने चाहिए? 50 रिपीट सेंटेंस करने चाहिए। 50 रिपीट सेंटेंस करोगे तभी आप कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे 60 के लिए। तो कम से कम आपको 50 रिपीट सेंटेंस हर रोज के करने चाहिए, रीजन बीइंग कि इसके स्कोर लिस्टिंग में भी आपके शेयर होते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज ये कम से कम आप मान के चलो कि कम से कम आपको रोज की 10 डिस्क्राइब इमेज करनी है। नो डाउट टेम्पलेट इसमें काम करता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टेम्पलेट कैसे काम करता है। तो आपको कम से कम 10 डिस्क्राइब इमेज, कोशिश ये करिएगा कि जो 10 डिस्क्राइब इमेजेस हैं वो अलग अलग हों। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप बार ग्राफ करे जा रहे हो, ऐसा ना हो आप सिर्फ लाइन ग्राफ करे जा रहे हो,
तो मिक्सचर ऑफ थिंग्स करो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स. कम से कम 10 जो है वो आप डिस्क्राइब करो. नेक्स्ट आता है रिटेल लेक्चर जो है आप मान के चलो कि ये कम से कम आपको 5 करनी है क्योंकि इसके स्कोर भी आपके जो है वो लिस्टिंग पोर्शन में जाते हैं. सो 5 रिटेल लेक्चर होने चाहिए और लास्ट में जो स्पीक का पोर्शन है दैट इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चन. देखो हर मंथ प्रेडिक्शन फाइल रिलीज होती है. प्रेडिक्शन फाइल आपको मेरे स्टेट्स में मिल जाएगी या फिर यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर द प्रोडिक्शन फाइल ऑन द गिवन नंबर. तो प्रोडिक्शन फाइल में से आप आंसर शॉर्ट क्वेश्चन कर लो. रोज के आपके 50 आंसर शॉर्ट क्वेश्चन होने चाहिए. देखो सिंपल सा फंडा है कि लाइक ये जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है. तो सिंपली आप रोज के 50 आंसर शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हो. ये हो गया हमारा स्पीकिंग का पार्ट. स्पीकिंग में आपको स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग क्या क्या करने की जरूरत है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राइटिंग. राइटिंग में सबसे पहले आपके पास है समराइज रिटन टेक्स्ट. समराइज रिटन टेक्स्ट की जब मैं बात करता हूं तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके स्कोर आपके रीडिंग के साथ भी शेयर होते हैं. बिकॉज अगर आप कुछ पढ़ रहे हो फिर आप उसको टाइप कर रहे हो, उसको समराइज कर रहे हो, तो इसका भी ध्यान रखना. 7 पॉइंट की छोटी सी एक्टिविटी है. फाइनल एग्जाम में आपको 2 समराइज रिटन टेक्स्ट आएंगे बट स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आपको कम से कम ये 5 समराइज रिटन टेक्स्ट प्रैक्टिस करने की जरूरत है. ये लोग बोलते हैं कि क्या करना है, इसे प्रैक्टिस क्या करने की जरूरत है, कि वही चीजें तो हम कर रहे हैं, उसी को तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल स्पेलिंग इज अ इशू समवेयर. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट आया था हमारे पास ऐसे. ऐसे का टेम्पलेट अवेलेबल है एंड टेम्पलेट यस दैट वर्क्स बट दैट शुड बी रेलेवेंट. अगर आपका ऐसे का टेम्पलेट रेलेवेंट होगा तभी काम करेगा, वैसे नहीं काम करेगा. सो दैट्स व्हाई बी केयरफुल अबाउट दैट. जो भी टैंपलेट आप यूज कर रहे हो उसे आप देख लो स्पेलिंग कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, बट कम से कम आपको 2 ऐसे कम से कम जो है वो टाइप करने पड़ेंगे आपको रोज के रोज. सो समराइज रिटन टेक्स्ट 5 हो गए और जो ऐसे है वो 2 हो गए. तो ये आपका स्पीकिंग और राइटिंग का कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट मैं आता हूँ स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग रीडिंग पोर्शन में. रीडिंग की बात करूं तो इसमें 5 टास्क है आपको और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे पहले दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स. जी हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग. इसमें आपको ब्लैंक्स दिए गए होते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होती हैं. तो मेरे अकॉर्डिंग ये कम से कम आपको 10 करने चाहिए. आप फ्रेशर हो, सेकेंडरी आपने अभी अभी पास की है, तो आप कम से कम 10 जो है फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग करो. रीजन बीइंग क्योंकि अगर आप 10 कम से कम करते हो तो आपको हरेक पैराग्राफ में कम से कम 5 वोकैबुलरी के ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आप या तो उनके साथ फेमिलियर नहीं हो. अगर फेमिलियर हो तो आपको उसके साथ कंफर्टेबल महसूस होगा क्योंकि रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे जो कॉमन चीज है वो है कॉलोकेशन. अगर आप कॉलोकेशन अच्छी तरह से जानते हो तो दैट्स फाइन, बट अगर आप वोकैबुलरी कर रहे हो और यू विल कम टू नो दैट यार ये तो कॉलोकेट कर रहा है, तो आपको कॉलोकेशन के बारे में भी आइडिया हो जाएगा. तो कम से कम आपको ये 10 फिल इन द ब्लैंक्स करनी चाहिए. नेक्स्ट जो आती है वो है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर. या जहां पर एक आपको टेक्स्ट दिया गया होता है, एक ही क्वेश्चन पूछा गया होता है और उसके 2 या 3 मैक्सिमम आपको आंसर सिलेक्ट करने हैं. चाहे कि ये टास्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजन भी क्योंकि इसके स्कोर कहीं पर भी नहीं जाते हैं, यानी कि सिर्फ रीडिंग में रहते हैं. सॉरी टू से रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स के स्कोर आपके राइटिंग में भी शेयर हो रहे हैं, तो कीप दिस थिंग इन माइंड. खैर मैं बात करता हूं अभी मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर की. तो ये कम से कम आपको 5 करने चाहिए. 5 अगर आप मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस करते हो, यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि आप किस टॉपिक को पढ़ रहे हो. देखो वो टाइम चला गया जब स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर रीड आउट करते थे या स्टूडेंट्स मैगजीन पढ़ते थे. अभी ये चीजें पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है. वट एवर द इन्फॉर्मेशन दे वॉन्ट टू रिसीव दैट इज अवेलेबल डिजिटली ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म. जैसे कि आप YouTube पे मेरे को देख रहे हो या कुछ Facebook, Instagram में आप कुछ डिजिटल मोड पे करते हो. सो दैट्स व्हाई मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर आप कर रहे हो, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग जो इंप्रूव होगी, मोर ओवर आपको एक टेक्स्ट पढ़ने का मौका मिलेगा. सो कम से कम ये आपको 5 मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर जो है वो करने होंगे. नेक्स्ट आ जाता है रीऑर्डर सेंटेंसेस. रीऑर्डर सेंटेंसेस अगेन स्कोर इज नॉट शेयर्ड विद एनी ऑफ द एक्टिविटी, एनी ऑफ द टास्क, एनी ऑफ द मॉड्यूल्स, बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप रीऑर्डर सेंटेंसेस करते हो तो आपको ये पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस इंडिविजुअल है, कौन सा सेंटेंस जनरल है, कौन सा सेंटेंस डिपेंडेंट है. अगर आपको जनरल सेंटेंस की नॉलेज हो रही है, दिस मीन्स कि आप उसकी स्टार्टिंग फाइंड आउट कर सकते हो. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन रीडिंग सेक्शन, द कंप्लीट रीडिंग सेक्शन, इन द राइटिंग सेक्शन और कहीं ना कहीं पर दूसरे टास्क में भी हेल्पफुल होगी. सो
आपको जो रीऑर्डर सेंटेंसेस है कम से कम 10 करने की जरूरत है, बिकॉज यू नीड टू मेक द करेक्शन. नेक्स्ट मैं बात करूं अपने मल्टीपल जो है सिंगल आंसर की. यहां पर एक ही आपको आंसर चूज करना है, चार ऑप्शन दी गई होगी, यू हैव टू चूज अ बेस्ट आंसर. तो ये भी कम से कम 5 आपको करने की जरूरत है. अगर 5 करोगे यू विल बी एबल टू रीड अ न्यू पैराग्राफ, नया पैराग्राफ पढ़ पाओगे आप, और आप उस नए पैराग्राफ से अपना आइडिया लगा सकोगे कि हाँ भी इसमें क्या आना चाहिए. तो मींस ऑफ कोर्स ऑल द पैराग्राफ्स दैट्स आर बेस्ड ऑन द जर्नल्स रिसर्च वर्क, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि, क्योंकि ये पैराग्राफ जो होते हैं ना 100-150 वर्ड्स की रेंज में रहते हैं, तो यू वुड हैव आइडिया कि किसी चीज की आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए. और लास्ट में आ जाता है हमारे पास रीडिंग के फिल इन द ब्लैंक्स. तो ये अगेन आई वुड सजेस्ट कम से कम 10 करने चाहिए, क्योंकि ये ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन है. तो इसमें आपको एटलीस्ट ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है और एडजेक्टिव क्या है. क्योंकि ये चीज अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होती है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे. तो ये आपको 10 करने की जरूरत है. आई रिपीट कि फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग 10 होनी चाहिए, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर 5 होने चाहिए, देन रिपीट ड्रॉप के रीऑर्डर सेंटेंसेस 10 होने चाहिए, और आपके मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर 5 होने चाहिए, और लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग वाले आंसर वो कम से कम हर उसके 10 होने चाहिए. 10 × 30 कम से कम 300 जो है वो बन जाते हैं. जब आप एग्जाम देने जाओ तो कम से कम 300 फिल इन द ब्लैंक्स आपके होने चाहिए. कमिंग टू द लिस्टिंग पार्ट, देखो लिस्निंग पार्ट काफी ज्यादा डिपेंड करता है स्पीकिंग पर, क्योंकि स्पीकिंग के आपके 3 टास्क ऐसे हैं जो कि स्कोर आपको लिस्निंग में भी देते हैं. बट स्टिल लिस्निंग हैज स्टिल इट्स ओन इम्पोर्टेंस. अगर मैं बात करूं इसके सबसे पहले पार्ट की, दैट इज कॉल्ड समराइज स्पोकन टेक्स्ट. इसमें इनपुट ऑडियो है, आप एक ऑडियो सुनोगे, एक मे बी लेक्चर और एनी काइंड ऑफ कन्वर्सेशन. जब आप सुन रहे हो तो उसको सुन के आपको 50-70 वर्ड्स में आपको टाइप करना है. तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि इसके स्कोर जो आपके स्कोर शेयर हो रहे हैं वो आपके राइटिंग में हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वैल्यूएबल फॉर मी. इसको पूरी इंपॉर्टेंस दीजिए. कम से कम रोज के 5 समराइज स्पोकन टेक्स्ट होने चाहिए. सो नेक्स्ट बात करूं मैं फिल इन द ब्लैंक्स की. फिल इन द ब्लैंक्स अगेन द स्कोर इज शेयर्ड विद द राइटिंग, क्योंकि जहां पर भी आप टाइप करते हो, अपनी फिंगर्स हिलाते हो, कुछ लिखते हो, तो वहां पर आपको ये जरूरी हो जाता है कि आप उस टास्क की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें. सो आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट 10 फिल इन द ब्लैंक्स आप प्रैक्टिस करो, सो दैट कि आपके राइटिंग के भी स्कोर अच्छे जा सके. देन मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर सेम वे. इसके स्कोर किसी के साथ शेयर नहीं होंगे, बट यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या सुनने को मिल रहा है और क्या आप आउटपुट दे रहे हो. सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि कम से कम आप मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर कम से कम 5 करें. सो उसके बाद मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, अगेन 5 मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर होने चाहिए. 5 इसलिए क्योंकि इसमें आपको सिंगल आंसर देना है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से लगाओगे कि कौन सा आंसर होना चाहिए. उसके बाद मैं बात करूं मैं हाईलाइट करेक्ट समरी. हाईलाइट करेक्ट समरी जो है इसके स्कोर जो है वो रीडिंग में जाते हैं. चाहे कि ये सेक्शन आपको 1 या मैक्सिमम 2 पॉइंट्स में आएगा, बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तो स्कोर इसके रीडिंग में जा रहे हैं, रीडिंग के साथ शेयर हो रहे हैं, और लिस्निंग में भी आपको कुछ सुनने को मिल रहा है. मोर ओवर दिस इज अ एक्टिविटी, लिस्निंग इज अ एक्टिविटी, आप अपनी मर्जी से नेक्स्ट नहीं कर सकते जितनी देर तक आप उसे आंसर क्लिक ना कर दो, और छोड़ने का कोई फायदा है भी नहीं. 60 पॉइंट्स के लिए कम से कम आपको 5 जो है हाईलाइट करेक्ट समरी करनी चाहिए. हाईलाइट करेक्ट समरी 5 अगर करते हो तभी आपके लिस्निंग इंप्रूव होगी, ईयर डेवलपमेंट होगी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स ना बेटर. और उसके बाद अगर मैं बात करूं सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, ये वही बीप वाला क्वेश्चन जिसमें कि लास्ट वाले क्वेश्चन में बीप होती है, आपको एक वर्ड गेस करना होता है कि लास्ट में वर्ड क्या होगा. तो पूरी स्क्रिप्ट को सुने और 4 ऑप्शन नीचे दी हुई होगी, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द लास्ट वर्ड इज. तो ये भी कम से कम 5 कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि आपको ये जानने में हेल्प करेंगे कि लास्ट वर्ड अगर आपने गेस करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हो. Then after that we are having is highlight incorrect word. Incorrect word ये बहुत अच्छा activity है. I would say that's a favorite of many of the students. जिसमें eyes, ears और hand का coordination रहता है. आप सुन के देख के incorrect word को highlight करते हो. तो ये कम से कम आपको 15 करने चाहिए, because इसके score एक तो reading में जा रहे हैं, reading में भी share हो रहे हैं. Secondly ये एक ऐसी activity है that's just going to complete just within 5 minutes.
एक मिनट से कम टाइम में ये आपकी कंप्लीट हो जाती है और यू एंजॉय, यू लर्न द प्रोनंसिएशन बिकॉज बहुत सारे होमोफोन्स यूज होते हैं, तो आप होमोफोन्स भी सीखते हो, आप प्रोनंसिएशन भी सीखते हो, तो ये कम से कम आपको 15 करनी चाहिए। लास्ट में आ गया आपका राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में इनपुट आपकी ऑडियो है, बट आपको आउटपुट में अभी टाइप करनी है, राइट करना है। जो भी आप सुन रहे हो उसको आपको एग्जैक्टली एज इट इज टाइप करना है। तो ये कम से कम आपके रोज के 25 होनी चाहिए। अगर 25 आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन करते हो तो कहीं जाकर आपकी स्पेलिंग में इंप्रूवमेंट नजर आएगी। देखो स्पेलिंग की जब मैं बात करता हूं तो स्पेलिंग आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बिकॉज वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज, जहां पर अगर हम व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हैं तो अपने आप सजेशन आ जाती है कि नेक्स्ट वर्ड आप ये लिख सकते हो। सो दैट्स व्हाई स्पेलिंग में कहीं ना कहीं हम पर लैक करते हैं। सो दैट्स व्हाई लीव दैट वन और कम से कम 25 जो है वो आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन प्रैक्टिस करो। तो अगर ये स्टडी प्लान आप अडॉप्ट करके चलते हो तभी मैं कह सकता हूं कि आप 58 प्लस स्कोर अचीव कर सकते हो। दिस इज अ प्लान फॉर स्टडी प्लान फॉर योर 2024। सो सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।